Very good morning, students. How are you? I hope all of you will be fine. I am your teacher, and today I am going to teach you English. आज बच्चों में आपको English में चित्र देखकर जो pictures बनी हुई है उनके name लिखना सिखाऊंगी. तो चलिए देखते हैं. ये आपकी इंग्लिश की नोटबुक है. देखिए यहाँ पर ये कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं. ये आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं बच्चों. इन पिक्चर्स को आपको पहचानना है और इनका जो नाम है यानी कि इनकी स्पेलिंग हमें इनके सामने लिखनी है. तो चलिए पहले हम पिक्चर्स देखते हैं और उन्हें पहचानते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, ये क्या है? ये है वैन. देखो ये बच्चे बैठे हुए हैं, सब बाहर देख रहे हैं. तो ये है वैन. स्कूल की वैन होती है. कुछ बच्चों को स्कूल की वैन लेने आती है. तो ये है वैन, जो छोटी बस होती है. तो वैन की स्पेलिंग लिखेंगे हम VAN. वैन के लिए एन बनेगा. तो वैन. अब ये है फैन. तो हम यहां लिखेंगे FAN, फैन. देखिए ये कौन है? ये है मैन. MA ये है बच्चों मैप, नक्शा. तो हम यहाँ पे लिखेंगे MA. ये हो गया मैप. के लिए P बना देंगे. ये बन गया मैप. और देखिए ये क्या है? ये गोल बड़ी सी टोपी होती है, जिसे हम टोपा कहते हैं. ये है हैट. तो HAT, हैट. और ये बच्चों जिसमें हम तेल रखते हैं इसे कहते हैं कैन. तो CAN, कैन. और ये बच्चों बहुत सारे पेपर्स होते हैं. ये पिन लगी हुई है, हम कुछ भी लिखते हैं फिर फाड़ कर दे देते हैं. तो ये है पैड. PAD. इस तरह से बच्चों आपको इन चित्रों को देखना है यानी पिक्चर्स को देखकर उनकी स्पेलिंग लिखने की प्रैक्टिस करनी है. सो थैंक यू. हैव अ नाइस